गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो एक नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं डाइट प्लान करूंगी। तो आज अच्छी धूप निकली हुई है, इसलिए नहीं कि धूप निकली है इसलिए डाइट प्लान करूंगी, इसलिए कि आज सोचा है कि आज से शुरू करती हूँ। क्योंकि यार जब खा के आपके गाल आपको दिखने लग जाते हैं ना बाहर निकल रहे हैं, तो वो दिन समझ जाइए कि वही दिन है जहाँ से आपको अपनी डाइटिंग शुरू करनी है। और मुझे भी समझ में आ गया कि यही दिन है। और मतलब क्योंकि हर बार मैं ये कहती हूँ मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, तो आज फाइनली वो मंडे आ चुका है जहाँ से मुझे अपनी डाइटिंग शुरू करनी है। तो चलिए अब डाइट शुरू करते हैं। तो आज से मैंने अपना फिर से रूटीन शुरू किया। मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा वेट बहुत बढ़ गया, और जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं दोबारा से अपना जो डाइट प्लान है किसी और का प्लान नहीं है, ये मेरा खुद का है और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाट आई डू। तो आज से मैंने चाय पीने से पहले एक गिलास पानी शुरू किया है, वो भी गर्म पानी है। तो उसके बाद मैं चाय लूँगी और धीरे धीरे आपको दिखाऊँगी दिन में जब मैं डाइट शुरू करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, क्या क्या खाना खाती हूँ। तो चलिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं। तो जो पानी का ग्लास था मैंने फिनिश कर दिया और अब मैंने चाय ली अपनी। तो थोड़ा सा जब मैं डाइट करती हूँ तो अपना रूटीन थोड़ा चेंज करती हूँ। वैसे मैं ब्रेड ले लेती हूँ, बिस्किट्स का पूरा पैकेट खा जाती हूँ और वो मैं खा रही हूँ कुछ दिनों से। और जब मैंने देखा कि मेरे गाल मोटे मोटे हो गए, मेरे हाथ, मेरी बॉडी पर आई कैन फील कि भाई वेट बढ़ रहा है, वहीं पर मैं स्टॉप कर देती हूँ। और नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई मतलब क्या बोलूँ उसको, डाइट रूटीन ही बोलो कि जो भी है, कि मैं उल्टा सीधा खाना बंद कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज लिया एक ग्लास पानी। वैसे मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी सिर्फ छोटा ग्लास नहीं बड़ा ग्लास लूँ, ताकि ज़्यादा पानी इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर स्किन एंड आपकी बॉडी के लिए। तो पानी पीना अच्छी बात है, पर धीरे धीरे, एकदम से अगर आप शुरू करो ना नहीं होता तो कुछ भी करो, थोड़ा 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 शुरू करो ताकि बॉडी उसकी यूज टू हो जाए, आप यूज टू हो जाओ। और देखिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये मत बोलिएगा कि मैं डाइटिशियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये बता रही हूँ, अब सुनिए, कि जो मैं डाइट करती हूँ, जब मैं डाइट करती हूँ, शिल्पा डाइट करती है तो वो कैसे करती है, तो ये मेरे हिसाब की वाली डाइट है, किसी और के हिसाब की नहीं है। तो ये मत बोलिएगा ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ ऑल व्हाट आई डू। तो ये मेरी एक कप चाय है और इसमें मैंने शुगर नहीं डाली। शुगर तो मैं डाइट करूँ या नहीं करूँ तो वैसे भी नहीं पीती, मैं चीनी नहीं लेती चाय में। और ये मेरे हैं 4 या 5 बादाम हैं, तो ये खाऊंगी साथ में। आज मैं बादाम भिगोना भूल गई, नहीं तो यूजली भिगो के और उनको छील के 5 बादाम या 6 या 7 बादाम खा लो, वो भी ठीक है चाय के साथ। तो चलिए अभी हम अब पीते हैं अपनी चाय और उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। गाइस अभी मैंने चाय पी ली और अब चाय पीने के बाद मेरा एक काम है, हम घर में बाथरूम बनवा रहे हैं और उसका सामान लेने जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर का सामान लेने, नीचे वाले बाथरूम को हम रेनोवेट करा रहे हैं, सारा तोड़ दिया है उन लोगों ने। तो आज और कल 2 दिन का काम है। तो ये मेरे हस्बैंड को जाना था बट उनकी कोई कॉल है ऑफिस की, तो उन्होंने बोला तुम जाके लेके आ जाओगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं जाके लेके आती हूँ तब तक, और आपको दिखाती हूँ अगर वो बाथरूम जब बन जाएगा तब दिखाऊँगी। और कई बार ना मैं 2 चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, मुझे लगता है यार ये ब्लॉगिंग में से चलेगा क्या, चल जाएगा यार, आप लोग समझते हो ना कि मैं जब बात करती हूँ तो जा रही होती हूँ इधर, पहुँच जाती हूँ उधर, पर इट्स ओके यार। देखो आदमी को नेचुरल होना चाहिए, मैं बना के कोई स्क्रिप्ट तो लिख नहीं रही हूँ, जो है सो है, क्या कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको, कहाँ मिलते हैं, वो जगह पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर भी दिखा दूंगी मैंने क्या लिया है, क्या पसंद किया है। तो चलिए मिलते हैं आपको स्टोर में। तो ये स्टोर है यहाँ का जिसमें आपको घर कि बनाने की कोई भी चीज़ मिल जाएगी, मतलब आपको सुई से लेकर जो कहते हैं ना तलवार तक, तो आपको घर की हर एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, अगर आप अपना घर बना रहे हो, किचन बना रहे हो, बाथरूम बना रहे हो, व्हाटएवर। तो लेट्स गो। हमने पसंद किया था ये वाला फॉर फ्लोर, दिस वन, बिकॉज हमारी वैनिटी जो है वो ब्लू कलर की है, तो दिस वन वी आर टेकिंग। और बट मैंने कभी लिया नहीं है कि कितना कितना लेना है, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बता दिया इतना लेके आना है, बट मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया है यहाँ पे, तो दे विल हेल्प मी। और फिर मुझे लेना है ऊपर जो वॉल का है वो मैंने पसंद किया हुआ है, वो यहाँ पीछे है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड हेल्प मी। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा स्टोर है, इट्स सो कन्फ्यूजिंग यार। मैंने हम जैसे लोग जिन्होंने कभी कुछ ये सब चीज़ें नहीं की हो ना, और ये सब वॉल के लिए है,
तो वॉल पे मैंने ये वाइट वाला हमने पसंद किया, तो ये जाएगा वॉल पे बाथरूम की, और वो जो पसंद किया था वो जाएगा फ्लोर पे। और देखते हैं जब पूरा बन जाएगा तो कैसा बनता है, और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए लेट्स सी दिस वन, आई नीड 20। नो दैट्स इट, अनदर प्रॉब्लम। So other store also, you don't have any other store close by, right? Yeah, we do. तो आप देख सकते हो ये सब मैंने सामान लिया, और ये आपको देखने में शायद बहुत लाइट लग रहा होगा, पर ये पता है कितना हैवी है एक एक बॉक्स उठाना, पर मैंने कुछ भी नहीं उठाया, मैंने हेल्प मांगी थी एंड दे हेल्प मी, और नाउ आई एम पुलिंग लाइक दिस बिकॉज। सो चलिए अब कराते हैं बिलिंग। और यहाँ की प्रॉब्लम यही है कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, अगर आपको लगता है सिर्फ आपको घर में खाना बनाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, नहीं, ये जो है ना मजदूरी काम भी आपको खुद ही करने पड़ते हैं। आई डिडंट बिलीव इट, वाज इट हियर? नाउ आई डोंट नो, इट्स अ फ्लैट टायर, राइट? तो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शायद मुझे खुद ढूंढ लेती है कि आओ हमें गले लगाओ। तो अभी क्या हुआ, मैं कार चला रही थी तो मुझे किसी ने बोला आपका फ्लैट टायर है, तो एक तो यहीं कर एक जो काम करते हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी है एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर हिम। अभी घर जा रही हूँ, सेफली जा रही हूँ, उन्होंने बोला थोड़ा ध्यान से जाइएगा क्योंकि टायर हैज़ टू चेंज, तो अभी तो उन्होंने थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया, तो घर जाती हूँ। देखिए अगर घर ठीक से पहुँच गई तो मेरी किस्मत, तो इसलिए धीरे धीरे ड्राइव करती हूँ और आपसे मिलती हूँ सीधे घर पर। थोड़ा सा डरी हुई हूँ क्योंकि कभी मैंने इसे ड्राइव नहीं किया, तो लेट्स सी, लेट्स रीच होम एंड देन वी'ल टॉक। मेरा घर पूरा फैला हुआ है, ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं इनको वाटर बॉटल दे देती हूँ पानी पीने की। दिस इज फॉर यू आगवा। ओके थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। इफ यू नीड मोर लेट मी नो। ओके थैंक यू। तो जो सब्जियां मैंने काटी हुई थी, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये सारी सब्जियों को बहुत थोड़े से घी में, बहुत ज्यादा नहीं लिया घी, मानिए कि थोड़ा सा कम ही लेना है, ज्यादा घी तेल में मत बनाइए अच्छा रहेगा। वो सब्जियां मैंने इसमें सौते कर ली हैं, थोड़ा सा हींग और जीरा डाल के, और ये रहा मेरा दलिया जिसको इंग्लिश में ओट्स बोलते हैं, दलिया है। आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा आज का लंच, साथ में मैं लूंगी थोड़ी सी दही, और इट्स अ हेल्दी लंच और साथ में सब्जियाँ खा रहे हो, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आपने देखा था इससे पहले मैंने सब्जी खाई थी, अपना दलिया बनाया हुआ है मैंने, और बीच में ना मैं चाय बहुत पीती हूँ तो मैंने अपनी चाय को थोड़ा सा कट कर दिया, चाय इतनी नहीं पी रही हूँ, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। ब्लैक कॉफ़ी क्या होता है, अच्छी होती है व्हेन यू डाइट, पी सकते हो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही ले लो, क्योंकि क्या होता है जिनको आदत होती है ना चाय पीने की या कॉफ़ी पीने की, तो कुछ ना कुछ सब्सिट्यूट चाहिए होता है, तो मैंने अभी थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी ली है बीच में विदाउट शुगर, और उसके बाद लंच में मैं खाऊंगी अपना दलिया। तो अभी टाइम हो गया है चाय का, और शाम के बज रहे हैं 5, और ये हमारी दूसरी चाय है सुबह की। वैसे तो अभी तक 3 चाय होती है, पर मैंने आपको दिखाया था चाय के बीच में मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी, और अगर आपको लगे कि मैं ऐसे रोज़ चाय पीती हूँ, बिल्कुल नहीं पीती हूँ, क्योंकि अभी मुझे वीडियो बनानी है रील्स पे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, घर के इतना काम किया ना आज, किचन में लिटरली मैं 3-4 घंटे थी, पूरे घर की सफाई करी, नीचे के फ्लोर की अभी ऊपर बाद में करनी है, तो इतने सिर्फ मैं ही डांस करती हूँ। चलिए कि चाय बिना चैन कहाँ रे, चाय बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं चाय तो मिली, आजा चाय पी ले, आजा चाय पी ले। और शाम की चाय के साथ मैं ले रही हूँ एक रस, क्योंकि सुबह से मैंने ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्दी खा लिया, तो इतना हेल्दी भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब मैं ना मेरी डाइट ऐसी होती है भाई, मैं पूरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकती, तो एक रस कोई गलत नहीं है, एक रस आप भी ले सकते हो, ब्रेड एक स्लाइस ले लो, थोड़ा कार्ब जाना भी बॉडी में ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, रस में कार्ब होता है क्यों? अच्छा कार्ब नहीं है। हाँ ये अच्छा कार्ब नहीं है कह रहे हैं, कैसा कार्ब है? अच्छा नहीं, बुरा नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो खा लो, एक आध चल जाता है, तो एक मैं खा रही हूँ क्योंकि चाय का स्वाद खराब हो जाता है यार बिना रस के। चलिए मिलते हैं चाय पीने के बाद, तब तक ध्यान रखिए अपना। ये क्या है बेटा? मैं हूँ डाइटिंग पे, ये जो मेरे ये निकला है ना मुंह पे, गाल डबल ट्रिपल हो चुके हैं, नहीं नहीं ये नहीं खाना बेटा, यहीं पर तो आदमी को कंट्रोल करना है। ये देखिए
मेरा बच्चा मुझे फ्रेंच फ्राइज खिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट आप याद रखिए आपको यहीं पर कंट्रोल करना है। फ्राइज मुंह में लिया तो एक से काम नहीं चलेगा। नहीं बेटा नहीं, ये मेरी तपस्या भंग करने में लगी हुई है ऊपर। नहीं हाय, तो अभी मैं आ गई हूँ बेड पे और ये है आज का मेरा डिनर। डिनर मतलब मैंने बीच में थोड़ी सैलड खीरे वगैरह खा लिए थे और दलिया मैंने दो बार खा लिया था, वो शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, और थोड़े से नट्स खा लिए थे बीच में। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी फॉर टुडे। और लास्ट में मैंने और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने मैंगो शेक बनाया, और मैंगो शेक दिस इज़ माई डिनर फॉर टुडे। तो आई थिंक इट्स बहुत हैवी होता है तो इट्स गुड। चलिए तो ये था मेरा आज का डाइट प्लान। तो कल कुछ और करूँगी, कल मैं मैंगो शेक की जगह स्मूदी बना लूँगी और कुछ और खाने में देखेंगे। बट हाँ, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने पूरे दिन कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया, अच्छा अच्छा खाना खाया, हेल्दी खाना खाया। और ख़ुद को मोटिवेशन अच्छी होती है ना कि अगर आप अच्छा खाते हो ना, एंड ऑफ द डे आपको अच्छा लगता है। सॉल्व आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो इसी गाने के साथ मैं ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग और अपना मैंगो शेक एंजॉय करती हूँ। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तो लव यू ऑल, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, और तब तक के लिए टेक केयर।